साथियों, सवा 12 हो चुके हैं, बारिश आ रही है। पंपिक सेवा का रूम जो हमारे परिवार में है, जल्दी पकड़ लो जोनी ग्राइंडर भाई। आज ही भाग फाल तो आज ही भाग लो भाई। क्या लो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, सब बाहर आ जाओ। आकर को रहना आता है भाई, चल जाएंगे हम तो। किधर आ रहा बेटा? साथियों, बाकर वाले का बसेरा है और ये उनकी सवारी भी मानी जाती है, उनका गुजरी मारी जाती है। और ये ऊपर आ रहा, उधर मारो यार टॉर्च लग गई। ये पोस्ट ये लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक मांग रहा है तो थोड़ा नीचे हो जा, सभी बोल रहे हैं। भाई पहले वहां से ओके बैठा यहाँ पर ये देखिए कितने गुस्से में है। और मैं ये भले ही मेरे से बोल रहे हैं कि हमने डंडा नहीं दिखाया, परंतु इन्होंने किसी ने उसको डंडा दिखाया। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुझे काफी समय का सामना कर रहे हैं। रात को 12:15 का समय है। गुस्से में है और ऐसा हो नहीं सकता। किसने से डंडा ना दिखाया हो? नहीं, डंडा दिखाया किसी ने। झूठ बोला जा रहा है। बड़ा खतरनाक साथियों, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना पे 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। रात को 12:15 का समय, बारिश हो रही थी और ये किसी पूंछ लगी हुई है, कटी हुई है। ये मादा है और इस समय अंडे बच्चे का भी समय है। ये देखिए, जब मुझे फोटो भेजी गई थी तो मैंने बताया था मादा है। ये 2.5 या 3 साल का है। यदि आपको सांप दिखाई दे, आपके सांप की सूचना 108 को दे, परिवार को दे, हमें दे। भाई लोग मेरे को घर से लेके आया क्योंकि बारिश पड़ रही थी जी। और यदि हम बीमार हो गए तो हम सेवा नहीं दे पाएंगे जी। तो भाई लोग मेरे पास आ गए मुझे लेने। अब इसको पकड़ लिया, अब इसको इसके प्राकृतिक में छोड़ जाएगा। अभी देखिए कितने गुस्से में, ऐसा हो नहीं सकता कि इसको डंडा ना दिखाया गया हो। मैं मान नहीं सकता कि हमारा भी इतना अनुभव है। बिना छेड़खानी करे इसको, अगर चाहे अपने इसके आगे डंडा ही पटका है तब भी ये नाराज है। तुम भी डर पोक आने गए झोली खोलने के लिए। यहाँ रात को एक सांप आ गया था और हमने भाई जी को बुलाया। क्या नाम है भाई जी? हमारे घर से भी 3 सांप पकड़े हैं। रात को 12:15 बजे भाई जी हमारे घर सांप पकड़ने के लिए आए, उनका धन्यवाद। साथियों, रात के 12:30 का समय है। मैं इस सांप को जोली ग्राउंड से पकड़ के लाया। बारिश पड़ रही है, एक जिम्मेदारी जो हमने उठा रखी निभाने की, जिनका काम है उनके पास तो शायद
कोई फोन भी नहीं करता वन विभाग के पास, क्योंकि सबको सब सुलभ हम ही नज़र आते हैं। अब इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। ये देखते हैं आराम से जाएगा या धमका के जाएगा, ये इसकी प्रकृति है। ये देखिए ये चल दिया, सांप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। इसकी सूचना आप एक स्वाड को दें, वन विभाग को दें या हमें दें, परंतु आप छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है आपको भी और सांप को भी। आपका जीवन भी अमूल्य है और सांप तो प्राकृतिक जीव है, इसका बचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकृति बची रहेगी तब हम लोग बचे रहेंगे।